बनना। यस गाइस, आपने टाइटल में सही पढ़ा है कि आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ DIY होममेड नाइट क्रीम, जो नाइट क्रीम से आप स्किन को ब्राइटन कर सकते हैं, स्किन को यू नो टाइट भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये जो नाइट क्रीम है उसे आपकी जो स्किन पर अगर एंटी एजिंग के निशान है, मार्क्स है, तो उसको लाइट करने में, हल्का करने में काफ़ी यू नो हेल्प करेगी ये नाइट क्रीम। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पर्सनली रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ मैं कोई DIY होममेड नाइट क्रीम बताइए जो एंटी एजिंग का काम करे। तो ये वीडियो आप पूरा डेफिनेटली देखना। अगर आपको यू नो स्किन पर एंटी एजिंग के निशान नहीं है फिर भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। अगर निशान है तो लाइट होंगे, अगर नहीं है निशान तो आपकी स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करेगी, स्किन का जो कलर होगा, स्किन का जो टोन होगा उसको इंप्रूव करेगी। तो चलिए फटाफट ये DIY होममेड नाइट क्रीम कैसे बनाते हैं वो वीडियो देख लेते हैं। बट मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस तरीके के बहुत सारे इंटरेस्टिंग वीडियो को मिस कर देंगे। तो आज का वीडियो लाइक कर देना, अगर आपके फ्रेंड्स फैमिली को इस टाइप की वीडियो की जरूरत है तो उन लोगों के साथ ये शेयर कर देना। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो ये जो DIY नाइट क्रीम है उसको बनाने के लिए आपको सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो है केसर यानी सेफ्रॉन। सेफ्रॉन यानी केसर के बेनिफिट का किसको पता नहीं होते हैं। केसर हमारे हेल्थ के लिए जितना इम्पोर्टेंट होता है उतना ही हमारी यू नो स्किन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और स्पेशली हमारी स्किन को ब्राइट करने के लिए और एंटी एजिंग निशान को दूर करने के लिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले केसर के लिए 3 या 4 जो पत्ती है उसको रोज़ वाटर में 1 टेबल स्पून जितना आपको रोज़ वाटर लेना है, गुलाब जल लेना है, उसको उसमें आपको यू 10 या 15 मिनट के लिए भिगो के रखना है, जिससे केसर के जो गुण है वो रोज़ वाटर में अच्छी तरीके से यू आ जाए और केसर का कलर भी वहाँ पर आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हो 10 से 15 मिनट के बाद जो केसर था उसने अपना जो कलर है यहाँ पर अच्छी तरीके से छोड़ दिया है। अब हमें यहाँ पर जो सारी चीज़ें ऐड करनी है, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जितना ककड़ी यानी क्यूकुम्बर का जेल। यहाँ पर मैं गुडवाइफ्स का क्यूकुम्बर जेल यूज़ कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा है। आप डायरेक्टली ये क्यूकुम्बर जेल को आंखों के नीचे डार्क सर्कल को रिमूव करने के लिए यूज़ कर सकते हो, फेस को हाइड्रेट करने के लिए यूज़ कर सकते हो, एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। काफ़ी सारे बेनिफिट्स है ये क्यूकुम्बर जेल के। 1 टेबल स्पून ऐड करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून जितना रेडीमेड एलोवेरा जेल। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड करूँगी करीब 1/2 टेबल स्पून जितना स्वीट आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। ये जो ऑयल है मैं हेयर के लिए यूज़ करती हूँ और स्किन के लिए भी यूज़ करती हूँ, क्योंकि दोनों के लिए काम आता है। आप जब बादाम का ऑयल ऐड करो तो ध्यान से पढ़ लेना कि वो जो ऑयल है स्किन के लिए भी काम करे, सिर्फ हेयर वाला जो बादाम का ऑयल है हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। आप चाहो तो यहाँ पर ग्लिसरीन की 3 या 4 बूंद ऐड कर सकते हो, बट अभी समर है, गर्मी में ग्लिसरीन अगर ऐड करेंगे तो हमारी स्किन काफ़ी चिपचिपी रहेगी और धूल मिट्टी भी चिपकेगी, तो ग्लिसरीन यहाँ पर मैं स्किप करूँगी। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर ऐड करने वाली हूँ 1 विटामिन ई कैप्सूल को। विटामिन ई कैप्सूल हमारी स्किन को यू नो रिपेयर करने में काफ़ी हेल्प करती है, और ये इवियन की विटामिन ई कैप्सूल है, आपको आराम से मेडिकल स्टोर में मिल जाएगी। तो एक्सेप्टिपिन की हेल्प से यू नो उसे पोक करके इसका जो सारा ऑयल है एक्सट्रैक्ट करके इसे मिक्स करूँगी, और इसके बाद जो सारी हमारी चीज़ें इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पर हमारी जो DIY स्किन लाइटनिंग और एंटी एजिंग क्रीम है तैयार हो चुकी है। आप इसको 1 वीक के लिए एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। तो अगर आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और DIY की झंझट नहीं करनी है तो मैं आपको फेशियल सीरम और फेशियल ऑयल जल्दी से बता देती हूँ, वो बहुत ही अफोर्डेबल है। तो आप ये गुडवाइफ्स का जो रोज हिट रेडियंट ग्लो फेस सीरम है वो भी ट्राई कर सकते हो, एंटी एजिंग और स्किन की काफ़ी सारी प्रॉब्लम को दूर करता है। नेक्स्ट यहाँ पर आप अगर फेशियल ऑयल परचेज करना चाहते हो तो गुडवाइफ्स का आर्गन फेशियल ऑयल विथ गोल्ड लिप्स या तो सिल्वर लिप्स ट्राई कर सकते हो। मैंने दोनों का सेपरेट वीडियो बनाया है, मैं नीचे इसकी परचेज लिंक डाल दूंगी। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हो कि हमारी जो स्किन व्हाइटनिंग नाइट क्रीम है वो रेडी हो चुकी है। तो इसको आप एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि नाइट क्रीम हमें क्यों अप्लाई करनी चाहिए। काफ़ी सारे लोगों को मन में डाउट होता है कि यार इतनी सारी हम क्रीम अप्लाई करते हैं, डे क्रीम अप्लाई करते हैं, साथ ही साथ मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं, क्या कुछ नहीं अप्लाई करते हैं, तो नाइट क्रीम हमें क्यों अप्लाई करनी चाहिए होती है। तो सबसे पहले उन लोगों का यहाँ पर मैं डाउट क्लियर कर देती हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग ऑफिस जाते होंगे, या तो कॉलेज जाते होंगे, या तो स्कूल जाते होंगे, और अगर आप हाउस वाइफ हो और घर में ही रहते हो फिर भी हमारी स्किन काफ़ी डैमेज होती है। और आप में से काफ़ी सारे लोग हाउस वाइफ होंगे, वो सोचेंगे यार घर में ही रहने से स्किन कैसे डैमेज होती है। तो घर में आप जब यू नो
घर का काम करते हो, साथ ही साथ कुकिंग करते हो, उसी टाइम हमारी स्किन काफ़ी डैमेज होती है, यू नो स्किन पर काफ़ी ऑयल चिपकता है। तो सबसे पहले अगर आप कॉलेज गोइंग गर्ल हो, ऑफिस गोइंग गर्ल हो, या तो स्कूल जाते हो, तो आप बाहर जाते हो, ठीक है, तो बाहर जो पॉल्यूशन होता है आपके स्किन पर, धूल मिट्टी चिपकती है क्योंकि आपने क्रीम अप्लाई की होती है और उसके ऊपर धूल मिट्टी क्या कुछ नहीं चिपकता है, और इसकी वजह से हमारी जो स्किन होती है काफ़ी डैमेज होती है। काफ़ी सारी गर्ल्स ऐसी होती है, या तो काफ़ी सारी लेडीज ऐसी होती है कि बाहर जाते वक्त अपने फेस को यू नो दुपट्टे की हेल्प से या तो चुन्नी की हेल्प से कवर नहीं करती है। अगर आप कवर कर भी लेते हो फिर भी थोड़ा बहुत आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है, सनस्क्रीन अप्लाई करते हो तो भी आपको थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल जाता है, बट सूरज की बहुत ज़्यादा तेज धूप के कारण हमारी स्किन पर झुर्रियाँ आने लगती है। तो यंग होने के बावजूद भी आपकी जो स्किन होती है बहुत ही ओल्ड एज वाली दिखती है, तो ऐसे में रात में हमें एक बहुत ही बढ़िया वाली नाइट क्रीम अप्लाई करनी चाहिए, जो ये पूरे दिन में हमारी स्किन डैमेज हुई होती है उसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करे। अगर आप जो कोई यू नो नाइट क्रीम अभी करंटली यूज़ कर रहे हो, अगर आपको वो सूट हो चुकी है, तो फिर नेक्स्ट कोई यू नो बदलने की ट्राई बिल्कुल भी मत करना, आपको जो सूट करती है वो नाइट क्रीम अप्लाई कीजिए। तो सबसे पहले ये क्रीम को अप्लाई करने से पहले यहाँ पर मैं आपको पेस्ट टेस्ट करके दिखाती हूँ कि यहाँ पर मेरे फेस पर मैं कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि आप में से काफ़ी सारी गर्ल्स या तो काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जो डाउट करते हैं, तो उन लोगों का डाउट यहाँ पर मैं क्लियर कर देती हूँ कि यहाँ पर मैंने कोई भी तरीके का मेकअप, फाउंडेशन, बीबी क्रीम कुछ भी अप्लाई नहीं किया है। तो ये जो नाइट क्रीम है उसको अप्लाई करने से पहले आपको सबसे पहले फेस को वॉश कर लेना है, बहुत ही यू नो आपको जो फेस वॉश शूट करता है उसकी मदद से आपको फेस वॉश कर लेना है। अगर आप DIY नेचुरल कोई फेस वॉश यू नो ढूंढ रहे हो, तो मैंने नेचुरल DIY भी बनाया है, यहाँ पर आई बटन पर उसके लिंक भी डाल दूंगी। नेक्स्ट यहाँ पर फेस को वॉश करने के बाद आपको यू नो थोड़ी थोड़ी डॉट डॉट मोशन में पूरे फेस पर ये जो क्रीम है उसको अप्लाई कर देना है, और उसके बाद आपकी जो ये फिंगर टिप्स है उसकी मदद से सर्कुलर मोशन में बहुत ही स्लोली स्लोली आपको मसाज करनी है। जब आप मसाज करोगे उसी टाइम आपका फेस का जो ब्लड सर्कुलेशन होगा वो भी इम्प्रूव होगा, ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होने से आपके फेस पर नेचुरल ग्लो आएगा, साथ ही साथ ये जो स्किन हमने क्रीम बनाई है DIY क्रीम बनाई है वो आपकी स्किन पर यू नो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होने लगेगी, और पूरे दिन में आपकी स्किन पर जो भी डैमेज हुआ होगा वो यू नो धीरे धीरे सॉल्व होता जाएगा। तो इस तरीके से आप डेली नाइट में इसे अप्लाई कर सकते हो। बस इसको अप्लाई करने के बाद आपको फेस वॉश नहीं करना है, डायरेक्टली आपको सो जाना है। तो ऐसा करने से आपकी स्किन पर काफ़ी यू नो आपको रिजल्ट दिखने को मिलेगा, जो भी स्किन प्रॉब्लम होगी वो सॉल्व हो दी जाएगी, साथ ही साथ पिगमेंटेशन, झाइयाँ, झुर्रियाँ, स्किन का टेक्सचर आप काफ़ी स्मूथ होगा, और यहाँ पर हमने जो केसर यूज़ किया है केसर की मदद से आपकी स्किन ब्राइट होगी, साथ ही साथ हमने यहाँ पर जो क्यूकुम्बर यानी ककड़ी का जेल यूज़ किया है उससे हमारी स्किन होगी काफ़ी फ्रेश फील करेगी। तो इस तरीके से नाइट क्रीम आप डेली नाइट में अप्लाई कीजिए। ये जो नाइट क्रीम मैंने आप सबको बताई है यहाँ पर बोथ मेन एंड वुमेन भी यूज़ कर सकते हैं, और कोई भी एज वाले यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर एज लिखी नहीं है कि आप कोई भी एज वाले हो, आप डेफिनेटली टीन एज से लेकर आपकी एज कोई भी है आप डेफिनेटली इस क्रीम को यूज़ कर सकते हैं। सो है ना गाइस, बहुत ही ईजी आसान ये DIY नाइट क्रीम बनाना, तो डेफिनेटली इसको बनाना, इसको यूज़ करना, और यूज़ करने के बाद आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका जो फीडबैक है मेरे साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। और ये जो DIY नाइट क्रीम मैंने आप सबको बताई बहुत ही अफोर्डेबल है और सबके लिए बजट फ्रेंडली है, तो इसको यूज़ करना बिल्कुल ना भूलना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी वीडियो रिलेटेड क्वेरी हो, रिक्वेस्ट हो, तो नीचे कमेंट्स कर सकते हो, और हाँ आप मेरे दूसरे वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हो। सो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय गाइस, लव यू।